झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है तो जेएमएम ने भी जोरदार पलटवार किया है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गर्माई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर पिछले दिनों अदालत में राज्य सरकार की किरकिरी हो चुकी है। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सत्ताधारी गठबंधन पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। झारखंड दौरे पर आए बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा ने भी जेएमएम पर जोरदार हमला बोला। वही है ना, घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का बाद भी चुनाव का पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस मुद्दे में हम राजनीति नहीं करना चाहता। जेएमएम भी हमको सपोर्ट करे, हम भी जेएमएम को सपोर्ट करता हूँ। घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना। बांग्लादेश में एक समुदाय विशेष जिस प्रकार से तांडव कर रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, निंदनीय है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने ऐसा करना प्रारंभ किया। हम जहां बैठे हैं ये लोहरदगा, इन शहरों में भी डेमोग्राफी खराब करने में, बदलने में इसकी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। डेमोग्राफी को लेकर बीजेपी की ओर से गठबंधन सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं तो भला जेएमएम चुप क्यों रहे? जेएमएम प्रवक्ता डॉक्टर तनुष खत्री ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही उस समय बांग्लादेशी घुसपैठ पर क्यों नहीं रोक लगाई गई? उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं वो घुसपैठ बॉर्डर पर। ये सवाल लेकर के झारखंड में आते हैं। झारखंड में चंद महीनों बाद ही विधानसभा की डुगडुगी बजने वाली है। इससे पहले ही प्रदेश के सियासी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। लोहरदगा से आकाश साहू के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के निर्माणाधीन आई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सीएम ने बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने प्रथम तल पर जाकर ओपीडी, वार्ड एरिया, ऑपरेशन थिएटर रूम और इसके साथ ही जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 188 करोड़ रूपए की लागत से 154 बेड का ये आई हॉस्पिटल विशिष्ट होगा और अस्पताल में कॉर्निया, ग्लूकोमा, रेटिना और यूबिया के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पेडियाट्रिक एंड न्यूरो की भी बेहतर चिकित्सा हो सकेगी और इस आई हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के राज को याद करें जब बिहारी कहलाना शर्म की बात थी। झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माताजी के समय में जो जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी, किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए, किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए, एक समय था। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। महागठबंधन ने मंगल पांडे पर हमला बोला तो वहीं एनडीए के नेताओं ने बयान का समर्थन किया। बिहार की बदनामी तो इस डबल इंजन की सरकार में, एनडीए सरकार में जितनी हुई है शायद ही कभी हुई होगी। देश दुनिया में बिहार शर्मसार हो रहा है। हर मानक में बिहार अंतिम पायदान पर है और अंतिम से टॉप कर रहा है। अब ये एनडीए में सरकार में बैठे लोग हमारे शासनकाल का आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल की क्या तुलना करेंगे? सरकार है एनडीए की, डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल गति से पलायन करा रही है और डबल गति से अपराध बढ़ा रही है। बाहर में तो लोग ये बोलते हैं बढ़ता बिहार और बढ़ता अपराध। अरे भाई,
पिछले सरकारों पे उंगली उठाने से अच्छा है इस पे लगाम लगाइए। अगर आप लगाम नहीं लगा सकते हैं तो अपने आप को बर्खास्त कीजिए। कब तक कंबल ओढ़ के बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का मलाई खाते रहेंगे आप? लालू जी का जो 15 साल की हुकूमत रही है उसमें राबड़ी जी का भी जोड़ लीजिएगा, तो लालू और राबड़ी के जो हुकूमत में बिहार का तो दुर्दशा था ही। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते तो स्कूल है तो छप्पर नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो भवन नहीं, गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा था, भ्रष्टाचार आकंठ भ्रष्टाचार विकास और कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अपनी 3 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कोई माँ कैसे कर सकती है? सवाल सुनकर ही आपको यकीन नहीं होगा, पर प्यार में अंधी हो चुकी एक माँ ने ये सब कुछ कर दिया मुजफ्फरपुर में, वो भी अपने प्रेमी की खातिर। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। आखिर कैसे क्या है इस कलयुगी माँ की स्टोरी, रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रेमी की खातिर एक माँ बनी कातिल, 3 साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट, क्राइम सीरीज देखकर हत्यारी बनी महिला। मुजफ्फरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात में बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अपनी ही मां निकली। पुलिस ने इस केस में आरोपी काजल नाम की महिला को उसके कथित प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारी मां के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। बिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 2 दिन पहले एक लाल सूटकेश में 3 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई थी। बच्ची की हत्या को लेकर शक मां पर इसलिए भी था कि वारदात के दिन से ही आरोपी फरार चल रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर जब महिला को दबोचा तो उसके किए खुलासे से आप भी चकित रह जाएंगे। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने कहा कि उसका प्रेमी बच्ची को साथ रखने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे मारकर प्रेमी के साथ भागने का उसने फैसला किया था। हैरानी की बात तो ये कि वारदात की स्क्रिप्ट इस महिला ने टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर लिखी थी। ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके। महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी लेकिन उसकी बेटी उसके प्यार में रोड़ा बन रही थी। टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर इस हत्यारी माँ ने पहले बच्ची की हत्या की, फिर उसे सूटकेस में बंद कर छत से नीचे फेंक दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने आरोपी काजल के मोबाइल का CTR निकाला जिसमें अलग अलग नंबरों से घंटों बात किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की थी जो सही साबित हुई। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। गंडक नदी की तेज धार में 4 युवकों के बहने के बाद SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुंजा गांव में SDRF रेस्क्यू अभियान चला रही है और एक ही परिवार के 4 युवकों के नदी में डूबने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं डॉक्टर सदर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने हादसे के बाद दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के आश्रितों को सरकार की ओर से मिलने वाली 4 लाख रुपए की मुआवजे राशि दी जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता है कि लापता लोगों को ढूंढ लिया जाए। बता दें आपको कि आज सुबह में शिक्षक नवलेश कुमार सिंह की माता के निधन पर दुष्कर्म करने के लिए पूरा परिवार नदी के घाट पर पहुंचा था, जहां स्नान करने के दौरान गहरे पानी में सभी डूबने लगे और एक दूसरे को बचाने में एक ही परिवार के 4 युवक नदी के तेज धार में बह गए। एक नीलेश राय शिक्षक थे, उनकी मां का कुछ दिन पूर्व देहांत हुआ था, उसी का आज दस्कर्म था। उसी दस्कर्म में मुंडन के बाद ये बच्चे नहाने गए थे और नहाने के क्रम में एक का पैर फिसल गया और एक दूसरे के बच्चे को बचाने के चक्कर में ये चारों लोग डूब गए।
चारों लोग डूब गए हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली नहीं है और SDRF की टीम लगातार खोजने का प्रयास कर रही है और अभी भी आप लोग जान रहे हैं कि SDRF की टीम वहां लगी हुई है। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस और बाढ़ पीड़ितों में भिड़ंत का मामला सामने आया है। बंद पड़े पुलपुलिया को खोलने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान परबत्ता थाने की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर की घटना बताई जा रही है। दरअसल गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण सैदपुर तीनचंगा मुख्य सड़क पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस पानी की निकासी के लिए बंद पुलपुलिया को खोलने पहुंची थी, लेकिन बाढ़ पीड़ितों ने इसका विरोध किया। पत्थरबाजी में कई जवानों को चोट भी आई है। और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में नाला निर्माण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि नाले में पानी भरा हुआ है और नाले में मिट्टी, गिट्टी और सीमेंट भरा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे नाले में कचरा और गंदा पानी भरा हुआ था, लेकिन कचरे और भरे पानी में नाले का निर्माण चल रहा था। ऐसे में इस नाले की गुणवत्ता कैसी होगी, ये समझा जा सकता है। लोगों ने नाला निर्माण के नाम पर सरकारी पैसों के बंदर बांट पर आरोप लगाया है। वीडियो वार्ड नंबर 7 के चित्रकूट नगर रोड नंबर 1 की है। जमशेदपुर में 20 अगस्त को क्रैश हुए ट्रेनी का विमान का पता चल गया है। सरायकेला के चांडिल डैम में विमान का पता चलने के बाद उसे निकालने के लिए नेवी और NDRF की टीम लगी हुई है। 15 सदस्यीय टीम डैम में डूबे विमान को निकालने के लिए गुब्बारा गैस का इस्तेमाल करेगी। उसके बाद इसी के सहारे खींचकर पानी से बाहर निकाला जाएगा। विमान को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन को देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई रही है। बता दें कि जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को ट्रेनी विमान उड़ा था, जिसका कुछ ही देर बाद रडार से संपर्क टूट गया था और क्रैश हो गया था। 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों पायलट का शव बरामद किया गया था। वर्तमान में विमान को ट्रेस कर लिया गया है, पार्ट्स में विमान है, इंटैक्ट विमान है और उसको भी निकालने की तैयारी की जा रही है। टेक्नोलॉजी तो जो ट्रेसिंग है उसमें तो सोनार का यूज हुए है और निकालने में तो सिंपल सा उनका जो अपना मेथोडोलॉजी होगा उससे आधार पर वो निकाल। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 तारीख को 2-सीटर विमान उड़ान भरती और कुछ ही घंटों के बाद वो रडार से गायब हो जाता है। हालांकि देर शाम उसे पता चलता है कि वो विमान चांडिल के डैम में क्रैश कर गया है। और देखिए यही चांडिल डैम है जहां तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि उसमें 2 पायलट थे, दोनों का शव जो है 2 दिनों के बाद शव बरामद कर लिया गया है, मगर 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जो टीम है, NDRF की टीम हो चाहे नेवी की टीम हो, लगातार जो है वो बीच में है, चांडिल डैम के बीचों बीच जो है यहां से 10 किलोमीटर दूर पर वो विमान निकालने के जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि आज कुछ समय बारिश भी होने के कारण से जो है वो काफी परेशानी हुई है। जिन लोगों को पता चला है कि विमान गिरा है और विमान आज निकाला जा रहा है, वह उस विमान को देखने के लिए हमारे लोग पहुंचे हैं। इस सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के भी लोग यहां पर मौजूद हैं और जैसे ही विमान निकलेगा उसकी अगली कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, मगर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। शायद हमको लगता है 5-7 दिन के पहले का सप्ताह होने गया है, तो अभी तक 2 शव बरामद हो चुकी है और आज शायद विमान ये का मिलने की संभावना है। हम लोग इसीलिए रुके हुए की तहत कुछ नेवी का टीम है, कुछ अगर आज सक्सेसफुल अगर हो पाती है तो बहुत अच्छा बढ़िया है। बता दूं कि बैलून के माध्यम से जो है नीचे टीम उतर चुकी है और विमान को जैसे ही ऊपर लाया जाएगा उसके बाद जो है नेवी की टीम उसे लेकर यहां किनारे में पहुंचेगी, मगर सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द विमान को निकाल लिया जाए। News 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार। और बिहार में हो रहे लैंड सर्वे को लेकर लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आरा के बिहिया में आए लोगों की अलग ही समस्या है। एक और उनके गांव में चकबंदी के लिए प्रक्रिया जारी है तो दूसरी ओर अब लैंड सर्वे भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ लोग जिनके पास जमीन का पूरा पेपर भी नहीं है, अब ये लोग मदद की उम्मीद में पटना आए हुए हैं। इन लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 के संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में जमीनी विवाद खत्म करने के लिए सरकार लैंड सर्वे करा रही है, लेकिन जिनके पास भी जमीन के पूरे कागजात नहीं है वो बिहार में एक तरीके से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। हमारे साथ भोजपुर जिला के बिहिया से आए हुए कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप पटना पहुंचे हैं, पूरा जमीन का आपका कागज है, क्यों आए हैं? एक्चुअली सर मेरा जमीन है उसमें मतलब हम लोग का 100 साल 200 साल पहले का जमीन है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मिल नहीं रहा है,
तो हम लोग गए वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में, तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि भी फटा हुआ है। अब सर्वे का काम चल रहा है तो हम लोग को तो प्रूफ वहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसे ज़मीन 100 साल से हम लोग अंडर में ही है, फिर भी हम लोग का डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना सर। क्या समस्या है वहाँ? हम लोग के पास चकबंदी हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार सर्वे करा रही है, तो चकबंदी के चलते हम लोग 3 साल परेशान रहे। वहाँ हम लोग अटेंडी के माध्यम से सब काम हुआ, और फिर अब नया सिरा से अब सर्वे चालू हो रहा है। अभी हमारे यहाँ चकबंदी भी चल रही है और जैसे सर्वे भी चालू हो गई, जबकि चकबंदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही है, इधर सरकार नोटिफिकेशन सर्वे करेगी, जिसके चलते हम लोग के बहुत परेशानी हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर चल रही है तो पहले तो उस चकबंदी करा ले, उसके बाद सर्वे करा ले। देखिए ये हाल सिर्फ पटना बिहियाँ और किसी एक ज़िले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में कमोबेश ऐसे ही स्थिति है, और जिन लोगों के पास उनके ज़मीन के पूरे पेपर नहीं है वो इसी तरीके से परेशान भी हो रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के करीब 5 पंचायत के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। मेन रोड पर पानी भर गया है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गांव की करीब 20 से 22 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है, पशुओं को चारा भी नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने पशुओं के साथ पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से लगातार पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता संतोष कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल के मिडेलीपुर में, जहां बाढ़ के क्या हालात हैं अभी हम आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बलिया अनुमंडल का यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। यहां की लोगों की ये शिकायत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं सिर्फ यहां खाना पूर्ति करते हैं और यहां आकर जांच पड़ताल कर आश्वासन की घूंटी पिलाकर लोगों को सिर्फ संतुष्ट किया जाता है। सरकारी स्तर पर यहाँ सुविधाएँ नगण्य हैं और ना ही राहत एवं बचाव के कार्य कोई कार्य किए गए हैं। सर्वप्रथम अभी हम दिखाते हैं आपको किस तरह जो गंगा की का जलस्तर है बढ़ा है और जो धाराएं हैं वो कितनी खतरनाक हैं और कितनी लहरें ले रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दियारावासी जो भी लोग हैं जो दैनिक दिनचर्या से आते जाते हैं, जो नाव पर लोग जा रहे हैं उनको भी हम दिखा दे रहे हैं किस तरह कितनी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जान जोखिम में डालकर। चूँकि जो लहरें हैं अभी हमने आपको दिखाया कि कितनी तेज़ लहरें हैं और किस तरह से जान जोखिम में डालकर नाविक हों या अन्य जो लोग हैं वो गंगा के आर पार करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको दिख भी रहा है, आज जो पानी का स्थिति है पहले के बनिस्बत बहुत ज़्यादा भी है और हवा भी चल रहा है। जो अभी नाव अब सामने में जा रहा था इसको भी लोड हो रहा है, इसका लोडिंग अनलोडिंग का भी जो सिस्टम है वो बहुत खतरा से खाली नहीं है। अभी दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रहा है कि पशु को जो चारा चाहिए वो प्रशासन दे नहीं पा रही है, और जो गांव घर के लोग को जो राहत मिलना चाहिए नहीं, कम से कम थोड़ा उनको शेड के लिए या फिर जो चौक चौराहा पर घर से निकल करके जो बाहर खड़े हैं उनको शेड के लिए कुछ दे दिया जाए, कुछ खाने पीने का जो जुगाड़ है वो दे दिया जाए। उसके लिए विवश है कि यहाँ पर जो ओपन है यहाँ से लेके वहाँ 10 गाँव को जोड़ता है, मिरेलीपुर, बहादुर नगर, शिव नगर, इस तरीके से 5-6 तो संपर्क कुल मिला के कहा जाए इनका भंग हो चुका है। मेन लाइन है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मेन लाइन है, इसका मेन लाइन को तोड़ दिया है। पानी तो पानी है गांव में, क्या दिक्कत है? गांव में भी पानी है, गांव में भी है। कैसे कर रहे हैं जीवन यापन? कैसे कर रहे हैं जीवन यापन? होता है यही नाव से जाना आना। पर्याप्त दिया गया है? पर्याप्त तो नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है। और जो परेशानियां जैसे दिनचर्या की जो भी वस्तुएं हैं उसको कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? दिनचर्या का वही होता है, जानवर भी है ना, वो सारा बाहर गया हुआ है। करना चाहिए, इतना लोग की दिक्कत होता है आने जाने में, बहुत आदमी डूब भी गया है। आप लोग प्रत्येक दिन मतलब आ जा रहे हैं, दियारा जाते हैं फिर अपने रोजमर्रा के लिए? नहीं, हम तो रहते हैं उधर, यहाँ के लोग की दिक्कत होता है ना भैया, यहाँ के लोग का बहुत दिक्कत। 20 से 22 हजार की आबादी है जो प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलती है और ये कहीं न कहीं प्रभावित है। लेकिन ऐसे में लोगों की लगातार मांग के बावजूद भी ना तो सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ठोस आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ घूंटी पिलाई जा रही है। ऐसे में लोग आक्रोशित हैं और लोगों के द्वारा लगातार एक ही मांग है जो यहाँ एक पुल का निर्माण होना चाहिए जिससे कम से कम दियारा वासियों की जो जिंदगी है वो भी सुकून से गुजर सके। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय।
और अब खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है और महिला के साथ 8 नशा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। अहिल्यापुर और सदर थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सभी कारोबारी अलग अलग इलाके में धूम कर नशे का कारोबार कर रहे थे और कारोबार में शामिल महिला कारोबारी घर से ही स्मैक की डीलिंग कर दी थी। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक और 28,000 कैश जब्त किया है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अलग अलग थानों में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल अहिल्यापुर और सदर क्षेत्र में 9 अलग अलग टीम के द्वारा जगह जगह पर जितने भी पुराने एनडीपीएस के अपराधी हैं, जो जेल से छूटे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में इस धंधे में लिप्त हैं, उन लोगों पे रेकी करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोगों के द्वारा टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके अलावा हम लोगों के द्वारा 28,000 के आसपास पैसे रिकवर किए हैं। 96 ग्राम स्मैक और लगभग 60 ग्राम के आसपास गांजे का भी रिकवरी किया गया और 4 फोन हम लोगों ने रिकवरी किया। आरा लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद ने आरा रेलवे स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। स्टेशन पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय की गंदगी को देखकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। राजधानी पटना में हथियारबंद अपराधियों ने निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,42,000 रुपए की लूट की है और घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार भी हो गए। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी पैसा का कलेक्शन करके ब्रांच ऑफिस जा रहा था और तभी 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 अपराधी ने हथियार दिखाकर कर्मचारी से पैसे भरा बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। बता दें आपको, हालांकि डीएसपी ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।